हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों। सो किवें लगी अज दी लुक? सो अज लोंग राइड ते जा रहे हैं बाइक दे उत्ते। सो नगरोटे जा रहे हैं, कांगड़े दे कोले हिमाचल प्रदेश दे विच। सो बने रहियो साडे नाल। ते फगवाड़े जसवीर नूं पिक करना हैगा मेरे दोस्त नूं। सो बाकी देखदे हां उत्ते पहुंच के कित्थे कित्थे दा होर सफर तय हुंदा। सो चलदे हां जी। हां जी दोस्तों, सो हुण असीं फगवाड़े बस स्टैंड ते पहुंच चुके हैं। सो बाइक नूं नाल लै लिया होया। हां जी, रिवाल लै के बन लिया हो जो पग काली ना हो। चलो भाई, अभी हम रेडी हाँ। पगवाड़े का बस स्टैंड से कट लिए दोस्तों। हुशियारपुर तो थोड़ा अगे आ गए हुए हैं। रोड बहुत गंदी है, टुटी हुई है, काफी वे वे टोए ने बच्चे। इतों अक्सर ये रोड तो टायर वाले नहीं ज्यादा प्यारा फायदा हो जाता। पहली पहाड़ी यात्रा शुरू हो गया है, इतों चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। ਚੜਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਵ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਧੋਖਾ ਦਊਗੀ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਤਪੁਰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਤਪੁਰਨੀ। हाँ जी दोस्तों, असं रुके हैं बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। ये शहर का ना तो पता नहीं की है, बट जगह बहुत सोहनी है। तो भाई जी पूरे काले मेंढे कुप्पड़ा काला मेंढा वेस है, बिना भरिया मैं फिर लोकेट दरवेस सही है। देखो पग भी काली, अड़क भी काली, जैकेट भी काली, टी शर्ट भी काली, घड़ी भी काली, कमाल है भाई तेरी, पूरे काला ही है अज है ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਜਸਵੀਰ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਵਿਥ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਓਪਨ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ 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 ਇਹ
ਸਾਰੇ ਵੱਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਬੇ ਪਿਕਨਿਕ दोस्तों अपने आलू वाले परौठे छक के नाल कॉफी छक के तो अभी निकल रहे हैं तो थोड़ा जहा नाल घूम भी लीए चले चलिए गेम दोस्तों बहुत ही बड़ा बनया है ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ 20 ਰੁਪਏ 12 ਕਰੀਏ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕੇਸ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਨਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਫੋਟ ਜਵਾਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਆ ਬਲੇ ਆਈ ਬਾਤ ਆਗੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਸਾਡੇ ਫੋਸੀ ਪੌਨੇ ਵੀ ਆ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਫੋਸੀ ਨਿਕਲੇ ਵੀਰੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਲਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗੜੇ ਆ ਸੋ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਥੋੜਗੰਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ। हाँ जी दोस्तों, सो मैं इतने पहुंचा हुआ सी ओशो हिमालय। सो इस रिसेप्शन ते खड़ा होया सीगा। ये चीजा इन्हां दी मुद्रा जो इन्हां दे कोर्स हुंदे ने, सो ये इन्हां ने दस्सिया सारा, इस तरीके नाल सारा कुछ दसदे ने। ये बहुत वधिया बनया होया सारा, तुसीं देख सकते हो। इन्हां ने यह जो बनाया ये चक्रा दे हिसाब नाल ही बनाया सारा। इस दे नाल नाल हाँ जी जस भाई किवें लग रहा है? हाँ जी बहुत शांत, बिल्कुल शांति है। मेडिटेशन बहुत सारे लोग कर रहे हैं इत्थे। ते इस दे नाल नाल इत्थे ये है कि 2000 रुपया कमरे का है जिहड़ा स्टार्टिंग प्राइस है, ठीक है। ते उस दे विच ही खाना, उस दे विच ही कुछ पार्ट्स मेडिटेशन दे ने, जो स्पेशल कोर्स ने उन्हां दे अलग प्राइस रखे हुए ने। बहुत सोहना बनया होया, स्विमिंग पूल भी यूज कर सकते हैं आप इत्थे। ते ओशो हिमालय तुसीं मैप ते देख सकते हो, तुहानूं मिल जाएगा एंट्री गेट। बहुत वधिया सारा बनया होया, तुसीं देख सकते हो। इन्हां दी वैबसाइट भी है oshohimalaya.com ते सारी जानकारी दित्ती हुई है इन्हां ने। ते इत्थे अलग अलग क्लासेस लगदियां ने, कोई रशिया तो आउंदे ने, कोई आस्ट्रेलिया तो आउंदे ने, अलग अलग जगह तो टीचर्स ने इन्हां दे सारे। ते कुछ ओह भी ने जो ओशो दे नाल रहे ने। तो बहुत वधिया जगह है, बहुत शांतमई आनंदमई। हाँ जी, सो दोस्तों जिदा कि हम ये भी तुम देखो कि सोहना बनया हुआ है। सॉरी मैं दिखाना है, देखो कि सुंदर बनया हुआ है। इसके नाल जो इसके उपर है, सब तो उपरला चक्कर है, वो है मेडिटेशन हॉल। ये बनया अंदर मेडिटेशन हॉल है जो बंद हो चुके इस टाइम के उत्ते। इसकी टाइमिंग होंगी है, तो देखो कि खूबसूरत है सारा ही। सो जरूर इत्थे आना तुसी सबने। ये है जी स्विमिंग पूल बनया होया, पूरा आनंदमय सारा। तुसी देख रहे दूर पहाड़ा दे विच स्नो भी पई हुई है। बहुत शांतमय, बिल्कुल बिल्कुल तुसी भी आए हुए हो नाल। बहुत शांतमय है, बहुत आनंदमय है।
बहुत सहज है। आओ So Jasbir ji and Sukh Singh ji, okay? So I'm going to give the mic to him. He's a good singer and Sukh ji is onto instrumental. Okay? He plays many instruments. Today he has got flute. Do you have anything else? No, only flute. Okay. Over to you, sir. You'll get the best audience in the world here. ओ जो साडे हंजुआ नू जानदा ओ के जिस नू मेरे आंखा पांदे विच शौक है कदे आउण दा कदे जानदा मिल गया सानू भी कोई हानदा 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 हो के जद मिट ड़ा जुबान तोरे ओदी चढ़दी मुखड़ा चल जे तारिया बिच चमकदा उसनू की मिल गया सानू भी कोई हानदा मिल गया सानू भी कोई हानदा मिल गया सानू भी कोई हानदा आशिकानू इस जहां दा की पता आशिकानू उस जहां दा ही पता लख हजारा तो सिफर जा हो गया पढ़िया लिखिया जो भी मैनू सी पता हुन पता लगिया के कित्थों हौसला आ जांदा कच्चियां ते तारी लौण दा मिल गया सानू भी कोई हानदा 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 सानू हानदा होए दी लड़ाई बड़ा नुकसान कीता है कि उस दी सादगी उपरो मैं दिल कुर्बान कीता है किसे ने ये परी महफिल दे विच ऐलान कीता है कि उस दी सादगी उपरो मैं दिल कुर्बान कीता है कि महफिल विच बैठे बादशाह आशक ते फकर जी कि महफिल विच बैठे बादशाह आशक ते फकर जी इन्ना सारियां नू उसने हैरान कीता है कि उस दी सादगी उपरो मैं दिल कुर्बान कीता है किसे ने ए परी महफिल दे विच ऐलान कीता है कि उस दी सादगी उपरो
मैं दिल कुर्बान कीता के उस दी सादगी उपर मैं दिल कुर्बान कीता निकले हुए हो तो ऐसा ही एक सॉन्ग है। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है पर फिर मैं ट्राई करूंगा। पंजाबी सॉन्ग है। शरमाए जिंदगी दे यही दौलता आखरा होया रब नाल ही लड़ाइया तेरे वास्ते वे सजना पीड़ा सी लड़ाइया शरमाए जिंदगी दे शरमाए जिंदगी दे यही दौलता कमाइया तेरे वास्ते वे सजना पीड़ा सी कड़ाइया तेरे नूर ने इश्क दे रावां नू रोशनाया तेरे नैणा ने सानू कागज कलम फड़ाया सरताज दा खजाना लिखिया ने जो रवाइया तेरे जिंदगी दे
ਇਹੀ ਦੌਲਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣਾ ਹੀਰਾ ਹਸੀ ਖੜਾਇਆ जिसको सभी जानते हैं उडारियां। प्यार दिया चढ़िया खुमारिया मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमारिया मेरे पैर ना जमीन उत्ते लग दे पैर ना जमीन उत्ते लग दे लखा चश्मे मोहब्बत दे वग दे राती मिठे मिठे सुपने भी ठग दे ना गल मेरे बस दी रही ना गल मेरे बस दी रही किसे ऐसिया निगाह मैनू तकिया ऐसिया निगाह मैनू तकिया चाहते हुए भी ना दिल रुक सकिया गया पैर इश्के दे विच रखिया ना गल मेरे बस दी रही ना गल मेरे बस दी रही किसे ऐसिया निगाह मैनू तकिया ਉਲਮਾ ਬਾਹਾਂ ਚ ਸਮੇਟ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਸ਼ਿਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ बड़ी लम्मी है कहानी मेरे प्यार दी बड़ी लम्मी है कहानी मेरे प्यार दी संग जदों शीशा मैंने हार दी
रोम रोम च सतिंदर है वसया मेरी अपनी परांदी मैनू दसया जदों तक मैनू मिन्ना जिहा हसया ना गल मेरे बस दी रही ना गल मेरे बस। दोस्तों तुसीं देखिया कितां साडा मान सन्मान कीता सारयां ने, तो हुण असीं ही चाह पी रहे हां नाल कुछ स्नैक्स ने सारे। तो देखिया तुसीं कितना इंजॉय कर रहे ने, सो इदां सारा है, बहुत इंजॉय भी हुंदा इत्थे ते बहुत वधिया माइंड रिलैक्स हो जांदा है। सो जरूर ट्राई करना इत्थे, है ना। सो जिथे भी माइंड रिलैक्सेशन दी गल होवे तो उत्थे जरूर जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। सो बाकी आपां चलते हैं नैक्सट डेस्टिनेशन ते। हाँ जी दोस्तों, तो हुण असीं चले नैक्सट डेस्टिनेशन ते। सो मेरा भाई जसवीर पूरा तैयार है, जैटा जुकटा पा के, तो इत्थे दा माहौल तुसीं देख लिया हैगा, तो हुण आपां मिलते हैं नैक्सट पॉइंट ते। आ जाओ, तो रास्ते दा सफर भी तुहानूं दिखावांगे, अगर कोई सोहणी लोकेशन आई ओह भी तुहाडे नाल सांझी करांगे। ए सीगा ओशो हिमालय। हाँ जी दोस्तों, असीं पहुँच चुके हैं मकलोड़गंज दे विच, ते जसवीर भाई राइडिंग कर रहे ने ते मैं पिछे व्लॉग बना रहा, थानू दिखा रहा सारे नूं। वन राइडर इधर टर्न कर ले, किधर इधर खब्बे पासे। हाँ जी दोस्तों, सो असी मकलोड़गंज पहुंच गए हैं, इतने होटल ले लिया, रूम बुक करा लिया होया, तो हुण असी अगे धर्मपुर जाने लई तैयार हैं। वैसे 8 बज गए हुए हैं, तो बाजार बंद हो जाता है काफ़ी हद तक, पर फिर भी कुछ रेस्टोरेंट तुहानू पता खुले रहिंदे आ, ते उत्थे महफलां सजदियां ने, बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, मोस्टली गोरे होंगे ने उत्थे ज़्यादा, है ना। तो हुण तैयार है, हाँ जी रेडी हो? हाँ पूरे रेडी हो? किन्ने का? चलो भाई। तो अज भाई वैसे तुम कौन नहीं गया है ना भाई, तू
बिलकुल यो यो जसमान ऊपर जाना है ऊपर जाना है ये पले कमेशा पऊगा मेनू भी पे डरे ठीक है पहुंच गए ठाट काने ते हां जी मेरे वालों प्यार प्री सत श्री अकाल जी सब वधिया तुसी सुनाओ ठीक हो पहचान गए भुले दा नहीं चलो वधिया हां सब वधिया तुसी सुनाओ कि चलदी लाइफ वैसे कॉफी बहुत स्वाद बनाउंदे ने पर मैगी बनाउंदे ने मैगी नु की आपा हां पर नहीं आपा पहला उठ जाके आईए आपा सवेरे जान लगे पपी मांगे हां ये तो उत्ते धर मोड़ चले बाजार बंद हो जाना लो जी मार्केट दे विच आ गए हां लो जी स्टार्टिंग लो मड़ी जी मैं चलावा नहीं हां मैं तो स्टार्टिंग लो ही दी विच भाई पूरे रेडी ने हां चलिए भाई जी हां थोड़ा क्या करो चलो भाई लोड ही नहीं गई कोई गल नहीं जी मकलोड़गंज 8 बजे पूरा रोशन रोशन कर रहा है सच्चे वो तो दिखा के आज तो दिखा के बोला हुआ दिखा दे भी क्या ऊपर वाली रोड नहीं जाना था ऊपर 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 हाँ हेलो जी पैगेट पर बॉर्डर रास्ते है तो जाना बॉर्डर शाला मारना दौड़ करता ते ऊपर जाके बहुत ठंड वाज जानी है थोड़ी जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे को ही है लग गया मन तेरे पहले क्या दिया बस ठीक है मैं तो पहले ही पाई ऐसे चाह की हमें चाह नहीं चाह को चाह में डाल दो मेरा हाथ कर गया दोस्तों धर्मकोट पहुंच चुके हुए हैं ते देख रहे हो नाइट माहौल इतना था लाइट आज जगमग जगमग कर रही हैं ने बहुत सोना दृश्य लग रहे था वैसे पहाड़ी इलाके सारा कुछ इतना ही होता है जब जानते रहते हैं अक्सर उन्होंने देखे ही है बट बहुत सारे लोग ऐसे भी मैं देखे जो अज तक गए ही नहीं पहाड़ों के बहुत देर तो जाना चाहते हैं
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ। ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਰਮਕੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ।